कुछ वुमेन प्रेगनेंसी को बहुत आसानी से पूरा कर लेती हैं, जबकि कुछ को प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वॉमिटिंग, जिसको हम मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं, सबसे कॉमनली देखे जाने वाली प्रॉब्लम है वुमेन में। सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर रचना दुबे और आज हम आपसे बात करेंगे वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी पर। एक्चुअली द वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी इज़ रिलेटेड टू द प्रेगनेंट स्टेट एंड डिपेंडिंग अपॉन वो कितनी सिवियर है, उसको हम सिंपल वॉमिटिंग जो कि माइल्ड फॉर्म होता है और दूसरा जो होता है हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम जो सिवियर फॉर्म होता है, इसमें हम डिवाइड करते हैं। ये जो सिवियर फॉर्म होता है इसमें अनकंट्रोल्ड वॉमिटिंग होती है, आपकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है एंड इसमें पेशेंट बहुत वीक हो जाता है एंड यूजली द पेशेंट रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन। बट टुडे आई विल फोकस ऑन मॉर्निंग सिकनेस जो माइल्ड फॉर्म होती है, इसमें नौजिया ओकेजनल वॉमिटिंग हो सकती है स्पेशली बिस्तर से उठने के बाद। स्लाइट वॉमिटिंग यूजली अकर्स इन 15-20% ऑफ द प्रेगनेंट वुमेन इन द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी एंड दिस इज़ रियली कॉमन। इसको आम तौर पर प्रेगनेंसी का फर्स्ट साइन भी कहते हैं। अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है और आपके पीरियड्स रुक गए हैं तो आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं जाओ जल्दी से प्रेगनेंसी टेस्ट करा लो, ऐसा तो नहीं कहीं प्रेगनेंट हो। सो दिस इज़ एज कॉमन एज दैट। ये वॉमिटिंग बहुत सुबह उठते से होती है बट कुछ लोगों में ये समय समय पे हो सकता है दिन भर होती रहे। ये वॉमिटिंग कम क्वांटिटी में होती है, ये क्लियर होती है, इट इज़ स्लाइटली बाइल स्टेन्ड यानी ग्रीनिश येलो हो सकती है। देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट दिस क्योंकि 3 महीने होते होते ये वॉमिटिंग सबसाइड हो जाती है एंड इट डज नॉट अफेक्ट योर हेल्थ और ना ही आपकी डेली नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं उसको अफेक्ट करता है और ना ही ये वॉमिटिंग जो माइल्ड वॉमिटिंग होती है मॉर्निंग सिकनेस, ये आपके बेबी को एडवर्सली अफेक्ट भी नहीं करता है। वॉमिटिंग यूजली डिसअपियर्स विद और विदाउट ट्रीटमेंट, दोनों कंडीशंस में 3-3.5 महीने में ये ख़त्म हो जाता है। सो लॉट ऑफ माई पेशेंट्स कीप आस्किंग मी वाई डज वॉमिटिंग एक्चुअली अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वॉमिटिंग यूजली अकर्स इन द प्रेगनेंसी बिकॉज द चेंजेस इन द हार्मोन्स लाइक इंक्रीज लेवल्स ऑफ बीटा HCG एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑल्टर्ड इम्यूनोलॉजिकल स्टेट विच एक्चुअली ट्रिगर्स द न्यूरोजेनिक रिसेप्टर्स एंड जिसकी वजह से वॉमिटिंग बहुत ही फ्रीक्वेंटली होने लगती है और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम शुरू के 3 महीनों में होती है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है ये हार्मोन सेटल हो जाते हैं एंड द वॉमिटिंग सबसाइड्स। It is important that the pregnant woman should understand that these problems are only for a very small period of time और ये 12-14 weeks में ये subside भी हो जाएंगे। अब सवाल आता है कि how can you actually control vomiting during pregnancy? तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखें, जैसे कि avoid fatty food, avoid spicy food, जैसे कि morning में उठते ही हमारे Indian diet में समोसे, कचौड़ी, पराठे, पूड़ी, छोले, कुलचा, पाव भाजी, ये सब चीज़ें बहुत prevalent हैं। So I would advise कि pregnant women शुरू के महीनों में oily breakfast ना खाएं और हल्का breakfast लें। दूसरा है अवॉइड टेकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग टी और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी इन द मॉर्निंग आवर्स, सो के उठते ही से आप ऐसी चीज़ें ना लें क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज़ योर एसिडिटी एंड ऑल्सो इंक्रीज़ योर प्रॉब्लम ऑफ वॉमिटिंग। थर्डली जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप बिस्तर से उठें तो थोड़ा हिलें डुलें और 2-4 मिनट तक वॉक कर लें, उसके बाद टेक अ ड्राई टोस्ट और यू कैन टेक सम बिस्किट्स लाइक पार्ले जी, मैरी गोल्ड, क्रैक जैक, मोनाको बिस्किट्स, जिसमें क्रीमी बिस्किट्स नहीं होने चाहिए, ड्राई टोस्ट या बिस्किट्स होने चाहिए, वो आप लीजिए तो दिस इज़ गोइंग टू रिलीव योर प्रॉब्लम ऑफ वॉमिटिंग। यू शुड ऑल्सो बी टेकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, बट व्हेन आई से प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स दैट डज नॉट मीन कि आप पूरे समय पानी बहुत सारा पीते रहें, बिकॉज ऑफकोर्स अगर 2 ग्लास पानी एक साथ ले लेंगे तो दैट्स गोइंग टू कॉज वॉमिटिंग। आप थोड़े थोड़े फ्लूइड्स लेते रहें, सिप्स ऑफ जूसेस लेते रहें, फ्रूट जूस लेते रहें, आइस चिप्स लेते रहें, होल फ्रूट्स लेते रहें, नारियल पानी लीजिए, बिकॉज दैट्स गोइंग टू मेंटेन योर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड दैट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। डोंट ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड एट वन टाइम, दिस इज गोइंग टू ऑफकोर्स कॉज वॉमिटिंग। नॉर्मली यू शुड ऑल्सो टेक शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स, यानी कि 6-7 times in a day lay, rather than dividing your meals into 3 heavy meals like breakfast, then heavy lunch and dinner. You will not be able to consume so much of food in one go. So it is important that aap chota chota, thoda thoda, samay samay pe lete rahein and do not wait ki aapki family breakfast degi to aap breakfast khayenge, phir aapke lunch ka time hoga, then everybody will take lunch to aap lunch lijiye. You should target ki aap thoda thoda pure din lete rahein. कुछ लोगों को पुदीना या तुलसी की पत्तियाँ या अदरक चबाने से भी बहुत आराम मिलता है,
तो अगर आपको इससे आराम मिल रहा है देन यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो। नींबू को आग पे रख के उसमें सेंधा नमक डाल के या काला नमक डाल के चूसने से भी कुछ लोगों को बहुत आराम मिलता है। सो यू कैन ट्राई ऑल दीज होम रेमिडीज, दीज आर बेनिफिशियल। इमीडिएट रिलीफ के लिए कुछ लोग अदरक, इलायची या लौंग देते हैं एंड आई फाइंड इट दिस इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। ट्राई टू अवॉइड फूड विच इज़ गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, बिकॉज कुछ पर्टिकुलर स्मेल जो होती है उससे बार बार नौजिया हो सकता है, तो ऐसे स्मेल वाले फूड को आप टोटली अवॉइड करें। जब ऐसा हो तो आप थोड़ी देर के लिए बालकनी में चले जाएं या कुछ खुली जगह में चले जाएं, सो दैट यू गेट दैट फ्रेश एयर और वो जो स्मेल आ रही है उससे दूर हो जाएं आप। ट्राई टू ईट फूड विच इज़ एट रूम टेम्परेचर और फूड विच इज़ कोल्ड, क्योंकि बहुत हॉट फूड होगा तो उसकी स्मेल भी स्ट्रांग होगी। अगर आपको इन सब चीज़ों से भी रिलीफ नहीं मिलता है देन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज देर आर गुड मेडिसिन विच आर अवेलेबल टू कंट्रोल द वॉमिटिंग। दीज मेडिसिन आर मेड स्पेशली फॉर वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। वी टेल द पेशेंट कि 2 टैबलेट्स रात में खा लें और यदि उससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो देन दे शुड टेक 1 एक्स्ट्रा टैबलेट इन द मॉर्निंग। तो डॉक्सिलमिन के टैबलेट्स जो होती हैं ये बहुत इफेक्टिव होती हैं, ये वॉमिटिंग को कंट्रोल कर लेती हैं एंड योर प्रॉब्लम विल बी कम्प्लीटली रिलीव्ड। सो इन्जॉय योर प्रेगनेंसी, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।